लोग आ गए थे वापस से, जैसे कि मैंने आपको बताया था रास्ते में ही, उसके बाद आने का वैसे, लेकिन अब चलते हैं क्योंकि 9 बजे तक हमें पहुंचना है। शाम आ गए महागुन, इसमें है देखो पता नहीं कहाँ पर है। वेलकम बैक टू माई चैनल विजया व्लॉग्स। तो अभी हो रहा है गुड आफ्टरनून, 12 बज चुके हैं, लेट हो जाएगा क्योंकि मैंने मतलब सुबह उठ ही जाते हैं, बट वीडियो लेट मैं स्टार्ट कर पाती हूँ, बट इट्स ओके, कल से मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा। और आज है, आज कौन सा वार है, शुक्रवार है क्या आज शायद, हाँ। तो आज मम्मी फाइनली आ रही हैं, आज उनका शाम का ट्रेन है, कल मॉर्निंग में आ जाएंगी, कल के व्लॉग में आपको मम्मी मिलेंगी। फाइनली इस रूम में कोई आएगा क्योंकि अकेले पड़े पड़े ये बंद रहता है, खुलता ही नहीं है, मैं तो विंडो ही नहीं खोलती रूम का, कभी कभी खोल देती कभी कभी नहीं खोलती। और फिर इस रूम में भी कोई रहेगा क्योंकि ना ऐसा लगता है ना ये रूम खाली खाली सा अजीब सा ही लगता है, और पूरा घर ही खाली खाली सा लगता है, पूरा घर खाली खाली सा लगता है। तो फिर फाइनली मुझे पता है मैं रात को उठती हूँ ना, या फिर रात को जाऊंगी मैं दूध लेके या फिर पानी का बॉटल लेके अंदर जाऊंगी ना, तो मैं फटक से लाइट बंद करूंगी और फटक से अंदर भागूंगी, क्योंकि जब से ऐसे लाइट बंद कर दी ना वैसे ही पूरा घर में अंधेरा हो जाता है और मैं फटाफट भागने लगती हूँ। मैं ना ऐसा लगता है अकेली रहती हूँ ना, मेरे पैर का अगर आवाज़ आ रहा है तो मैं सोचती हूँ अरे आवाज़ कहाँ से आ रहा है, आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो अगर थोड़ा सा डोर भी ऐसे हिलेगा ना तो फिर मैं बोलती कोई है कोई है, तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें चलती हैं कि कोई है वहाँ पे। फिर मैं जब तक उस चीज़ को क्लियर नहीं करूँगी, जब तक मैं वो चीज़ देख के नहीं आऊँगी कि हाँ वो चीज़ क्या थी, कहाँ पर है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। तो मैं उसको देख के आऊँगी, पूरा लाइट चालू करूँगी, फिर से पूरा विंडो डोर सब कुछ देखूँगी, फिर जाऊँगी सोने के लिए। सो फाइनली आ जाएंगे मम्मी और भैया, और इतने दिन से ये भी अच्छे से तरीके से नहीं सो पाए थे, तो फिर कल से वो भी सो पाएंगे, और फिर कल से हमारी ड्यूटी। अब तो राधा की बार बार इतनी याद आती है ना घर की, इतनी याद आती है घर की, क्या ही बताओ, कब मैं जाऊंगी अपने घर, मेरे मायके कब जाऊंगी यार, शादी मुझे अपने घर जाना है। उसके बाद यही दिक्कत है यार कि सोचना पड़ता है कि कब जाए, और सोचना क्या पड़ता है, हमारा मन तो करता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फिर इन सब चीज़ों में उलझ जाता है दिमाग, और फिर अफसोस करते रह जाते हैं कि यार मैं कब जाऊंगी अपने घर, कब अपनी मम्मी के पास जाऊंगी, कब अपने दोस्तों के पास जाऊंगी, कब अपने घर जाऊंगी। खैर टॉपिक छोड़ देते हैं इस टॉपिक। सो आज मैंने बनाया है सोयाबीन और आलू, मतलब सोयाबीन जो वो वाला सोयाबीन नहीं, सोयाबीन दूसरे वाले सोयाबीन जो आता है ना उसमें दाल वगैरह में दाल जैसा रहता है, उस वो वाली सोयाबीन की सब्जी और आलू उसमें डाले हैं, थोड़े से मसाले की सब्जी है, और उसके बाद चावल और रोटी बनाने जा रही हूँ। खाना बन चुका है, हमने नाश्ता नहीं किया है डायरेक्ट, मैंने सोचा कि वैसे भी नाश्ता के लेट हो गया था, ये चले गए थे अरे ऑफिस के अभी ये चले गए थे बाहर सुबह सिलेंडर भरवाने, तो मैं भी कुछ बनाई नहीं, चाय बस पीऊँ मैं भी, अभी तक 12 बज रहे 12:30 बज रहे, और फिर बोले कि भूख लग रही है, नाश्ता बनाओ कि खाना बनाओ, फिर मैं डायरेक्ट खाना ही बना देती हूँ, फिर दोपहर को कुछ अच्छे से स्नैक्स वगैरह बनाएंगे, हेल्दी सा बनाएंगे फटाफट वाला। फिलहाल तो मैं खाना बनाती हूँ और रोटी बनाती हूँ, देती हूँ क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़्यादा। और ये रहे, इन्हें तो पता ही आपको आपको कौन है ये, हाँ। और ये रही मैं आपकी ब्लॉगर जिया सिंह, कैसी दिख रही हूँ मैं बाल खोल के, मैं सोचती ना बाल खोल के ब्लॉग बनाऊ मस्त तैयार व्यार होके, फिर थोड़ी देर में इतनी मेरे को गर्मी छिटकने लगती है ना कि बेबूसी जुड़े पे आ जाती हूँ। होता है यार कभी कभी, अभी तो मैं मस्त पंखे में बैठी हूँ, अभी तो पंखे में बैठी हूँ तो फिर अभी खोल के बैठी हूँ इसके लिए, लेकिन गर्मी लगती है ना तो इसके लिए फिर वापस वही जो हेयर स्टाइल बेस्ट हेयर स्टाइल होता है ना गोला 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 करके तंबू। हाँ दित्या दादी का इंतजार हो रहा है, कल आ जाएगी दादी 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 ये
सो आज तो कुछ, अभी तक तो कुछ खास नहीं हुआ, जैसा कि मैंने कल बताया था आज हम जाएंगे डॉक्टर के पास। सो थोड़ी देर में निकलेंगे, 6 बजे जाएंगे, 5 बज रहा है, 1 घंटे के बाद थोड़ा चाय वाय बनाती पियेंगे। इसके चाय तो जरूरी है, कुछ खाओ या ना खाओ चाय जरूरी है। चाय पियोगे आज? आज तो नहीं। आज पियोगे? अदरक नहीं है, काली मिर्च, लौंग, सौंठ, सौंठ डालते हैं, अदरक, सौंठ तो है, अदरक ही रहता है ना वो, तो सूखा अदरक रहता है, सूखा अदरक रहता है ना सौंठ, तो वो डाल सकते हो उसमें। हाँ हाँ, आर यू श्योर? हाँ, काला तो नहीं बनेगा। सो ये बन रही है हमारी चाय। सो ये हमारा चाय हो रहा है, टी टाइम। आज ये बहुत दिनों बाद चाय पी रहे हैं, मतलब चाय नहीं पीते ये बिल्कुल भी, ये पता नहीं क्यों चाय पी लिए हैं। सही बताऊं? सही बताओ। थोड़ी सी भूख सी लग रही थी मुझे। अच्छा तो बताते, कुछ बना देती? तो मैं सरसों नमकीन खाऊं उसके साथ में चाय पी लूं, गुड आइडिया। सो हम जा रहे हैं फाइनली डॉक्टर के पास, और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 6:30 बजे बंद हो जाता है, मतलब तो कॉल करके रोका हुआ है। ये वाला स्टाइल तो समझ में नहीं आता मेरे को। अरे भाई, अरे भाई कैसे देख रही तुम भाभी? अरे 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 जितने का से देख रही है सब कुछ, चक्कर 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 चक्कर। आ गए महागुण, इसमें है देखो, पता नहीं कहाँ पर है, ढूंढना पड़ेगा। लेट्स सी। सो हम गए थे डॉक्टर के पास, बट यहाँ पे जो हमारे पास में डॉक्टर है ना, वहाँ पर डॉक्टर अभी आए नहीं है, 9 बजे बुलाया है, तो 9 बजे जाएंगे। और जहाँ पे हमने कॉल करके पूछा था वो अलग है, Sector 58 समथिंग वहाँ पे कुछ है, तो वहाँ पे हमारे घर से दूर पड़ेगा, इसीलिए अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं वापस घर। A few moments later. So, हमारा बेबी उठ चुका है, हम लोग आ गए थे वापस से, जैसा कि मैंने आपको बताया था रास्ते में ही, उसके बाद आने का वक्त बनाया नहीं वीडियो, फिर अब बज रहे हैं 9 बजने वाले, 10 मिनट बाकी है, तो अब वापस से जा रहे हैं क्योंकि 9 बजे का अपॉइंटमेंट है हमारा। और दित्या उठ चुकी है, पता नहीं रोए ना रास्ते में, लेकिन अब चलते हैं क्योंकि 9 बजे तक हमें पहुँचना है, 10 मिनट बाकी है सिर्फ, फिर मिलते हैं डॉक्टर के पास। सोच रहे पैदल जाए, पैदल जाए कि गाड़ी से? तो पैदल जाएंगे फिर मार्केट। सो हम आ रहे हैं पैदल, और आज चांद, बहुत दिनों बाद मैं ऐसे चांद देख रही हूँ, मतलब काफ़ी टाइम हो गया ऐसे चांद देखे हुए। और अभी अभी हमने देखा एक एक्सीडेंट, मतलब ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँ, अगर कुछ किसी को हुआ नहीं, बस वो बाइक गिर गई, और जो उस पर बैठे थे, मतलब छोटा सा बच्चा बैठा था और एक औरत बैठी थी, वो खड़ी हो गई, बाइक गिर गया नीचे। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं, बट नहीं यार, अच्छा नहीं लगता ना किसी के एक्सीडेंट पर मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है दोनों, उसके बाद ये हुआ, बहुत गंदी जगह है ये, बहुत गंदी जगह है ये, छी कितना गंदा भरा पड़ा है, मैं तो बोला ही जा रहा। इसके लिए अच्छी है ना पोल्यूशन, और क्या। तो फिर एक कार वाला आया निकल के बाइक स्टार्ट करने के लिए, फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बाइक उसके उससे छूट के बहुत दूर चली गई, लेकिन अच्छा हुआ कि उसको भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन झटका मार दिया उसको, दोनों ठीक है, फिर हम लोग आगे 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 आ गए। तो बच्चे को लिए ये, तो आ गए क्लिनिक हम लोग, अरे डॉक्टर के पास। सो ये रहा क्लिनिक। सो मैं आ गई हूँ डॉक्टर के पास से, डॉक्टर ने बोला कि ये नॉर्मल है, आफ्टर प्रेगनेंसी ये होता है। एक्चुअली मुझे सारे बॉडी पे नहीं,
सारे पैर पे रैशेज से हो रहे, दाने दाने से हो रहे और खुजली हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो बर्दाश्त नहीं हुआ तो मुझे दिखाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला कि ओके चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एक दो मेडिसिन वगैरह दिया है तो फिर वो ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। सो चलते हैं घर, यहाँ पे हूँ लिफ्ट में और यहाँ पे मिरर दिख रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं उनको प्रेस कर लूँ। 11 बज रहे हैं और ये बाहर व्लॉग्स देख रहे हैं दूसरों का और बच्ची सो रही है, तो मैंने सोचा कि बच्ची सो रही है तो फिर ये काम करना ज़रूरी है कि अभी मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि इनको जाना है मंडे से ऑफिस और कल है संडे, तो आज आधे कपड़े कैरी करूँगी तो फिर दो तीन कपड़े जो है वो कल करूँगी, इसके लिए इसको आज करके हटा देती हूँ। हे गाइस, सो अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और काम वाम सारा हो चुका है। तो भी सो रही है आज अच्छी तरीके से, लेकिन कब तक सोती है। इसके बाद आज का दिन कुछ इस तरीके से था और एक्चुअली मुझे डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ा मैं आपको बता देती हूँ अभी डिटेल में। शाम को तो मैंने बताया था बट तो शायद आवाज़ क्लियर नहीं आई होगी तो अब मैं बता रही हूँ। एक्चुअली मुझे ना पैरों पर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, इचिंग वगैरह हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड इचिंग हो रही है। मैं नीचे के पैर के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इस तरीके से, ऐसा ही ना पूरे पैर पे मेरे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है दाने दाने वगैरह हो रही है और ऐसा ही मुझे पूरे पैर पे और इचिंग बहुत हो रही है, खुजली कर करके मैंने इसको इतना काला काला कर दिया है। और ये ऑलमोस्ट मुझे एक हफ्ते से हो रहा है, जब से मम्मी गाँव गई हैं तब से स्टार्ट हुआ था। सो मैंने दवाई वगैरह लिया, इन्होंने दवाई लेके आई, ट्यूब लेकर आए, बट तो कुछ भी ऐसा नहीं करा था उस पर और बहुत ज़्यादा खुश भी होता था। तो आज फाइनली मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा जस्ट बिकॉज उन्होंने बताया, जस्ट बिकॉज मुझे मतलब सहन बिल्कुल नहीं हो रहा, पूरे पैर पर मुझे हो रहा है, अपर बॉडी पर नहीं हो रहा, पूरे पैर पर हो रहा था। तो डॉक्टर ने बताया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रेगनेंसी में, मतलब या तो आप प्रेगनेंट हो, मतलब 8वें 9वें महीने में जब आप प्रेगनेंट हो, या फिर आफ्टर डिलीवरी के बाद 2 महीने 2.5 महीने में महीने तक ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है, मतलब ये ईचिंग वगैरह होना नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रेगनेंसी की वजह से मतलब जो हॉर्मोन्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं उसमें जो केमिकल रीजंस होते हैं, मतलब लोचा जो भी होता है, उन चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं प्रेगनेंसी की वजह से, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर ये बढ़ रहा है ये ऑटोमेटिक अपने आप होता है और अपने आप ठीक हो जाता है, अगर ये ठीक नहीं होता है फिर भी उन्होंने मुझे एक ट्यूब वगैरह दिया है, लोशन दिया है लेने के लिए, खाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं दिया जस्ट बिकॉज मैं फीडिंग करा रही हूँ, क्योंकि फीडिंग कराने में तो उनकी जो मेडिसिन वगैरह है ना वो बच्चे को भी जाएगी, तो इसीलिए डॉक्टर ने मना किया कि खाने वाले को दवाई नहीं दी, उन्होंने लोशन वगैरह क्रीम वगैरह सब कुछ दिया है और बोला है कि ये आपको एक हफ्ते में आराम दे देगा, अगर आराम नहीं देगा, अगर उसको कुछ साइड इफेक्ट भी हो जाएगा, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आराम नहीं मिल रहा है, या फिर आपके बेबी को या फिर आपके हस्बैंड को या फिर किसी को हो रहा है, तो आपको वापस आना है और कॉटन वगैरह, कॉटन के कपड़े मुझे पहनने हैं, कोई सोप या फिर कोई शैम्पू वगैरह नहीं यूज़ करना है बॉडी पे, कोई लोशन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है, मतलब कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है, कोई सोप वगैरह नहीं लगाना है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। और जब तक आप मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहे हो, लोशन वगैरह यूज़ कर रहे हो, तब तक आपको यही चीज़ें यूज़ करनी है, अदर कुछ भी चीज़ नहीं लगानी है। सो उन्होंने दिया है और बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होता है, और इसके इंचिंग वगैरह ज़्यादा मत करो, सब ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, और अगेन 1000 सब्सक्राइबर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो प्लीज़, और अपना प्यार मुझ पर इसी तरीके से बताते रहो कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो, इसी तरह से कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, और रिता की तरफ से भी बाय।